जादुई हैंडपंप। हरिपुर नाम के गांव में एक मोतीलाल नाम का आदमी रहा करता था। वो खेती में काम किया करता था। उसकी खेती में बहुत अच्छी फसल आया करती थी। वो हर साल अपने खेती पर बहुत मेहनत किया करता था। घर में मोतीलाल का बेटा आनंद रहा करता था। आनंद अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। उसी गाँव में सूरज सिंह नाम का जमींदार रहा करता था। वो हमेशा लोगों की मदद कर दिया करता और समय पर पैसे ना लौटाने पर उनकी जमीन अपने नाम पर कर लेता था। एक दिन सूरज सिंह का नौकर रघु सूरज सिंह से, मालिक, सुषमा ने हमसे पैसे लेकर एक साल हो गया, अभी तक उसने पैसे लौटाए ही नहीं है। उसने गिरवी क्या रखा है? जी, उसने अपने जेवर गिरवी रखे है। ठीक है, तुम जाकर उसे बुला लाओ, मैं उससे बात करता हूँ। ऐसा कहकर रघु सुषमा को बुलाने घर चला जाता है। तभी रघु सुषमा से, सुषमा बहन, तुम्हें मालिक ने बुलाया है, उनको थोड़ा काम था तुमसे। मुझे मालिक ने क्यों बुलाया होगा, मैं आती हूँ, अब चलिए। जी। ऐसा कहकर रघु वहाँ से चला जाता है। सुषमा उसके पीछे ही सूरज सिंह के यहाँ जाती है। सुषमा को आते देख सूरज सिंह, आइए सुषमा बहन, हमने आपको किसी चीज की याद दिलाने के लिए बुलाया है। मालिक, मुझे पता है, मैंने अभी तक पैसे चुकते नहीं किए, इसीलिए आपने मुझे बुलाया है। हाँ, अब मैंने तुम्हें पैसे दिए हुए एक साल हो गया है और तुमने उसका ब्याज तक नहीं दिया। अब मुझे तुमने गिरवी रखे हुए जेवरात ही लेने होंगे, क्योंकि पैसे और ब्याज पकड़कर उतना ही होता है। ठीक है मालिक, जैसा आपको ठीक लगे। ऐसा कहकर सुषमा वहाँ से चली जाती है। तभी सूरज सिंह खुद से, इन लोगों को कभी भी इनका लिया हुआ कर्जा भूलने नहीं देना चाहिए, इससे ही तो हमारा धंधा चलता है, नहीं तो हमारा धंधा कब का बंद हो गया होता। ऐसा मन में सोचकर सूरज सिंह अपने काम को लग जाता है। सूरज सिंह गांव के गरीब लोगों को पैसे देकर मदद करता था और उसके बदले में उनसे जमीन गिरवी रखवा लेता था। इससे सूरज सिंह के पास बहुत जमीनें हो गई थी और वो गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन गया था। एक दिन मोतीलाल के बेटे को कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए वो जमींदार के यहाँ चला गया। तभी जमींदार से मोतीलाल, नमस्ते सेठ जी। नमस्ते, कहो क्या काम था? सेठ जी, मुझे मेरे बेटी की पढ़ाई के लिए 50,000 रुपए चाहिए थे, क्या मुझे मिल सकते हैं? हाँ मिलेंगे ना, मगर मेरे पास तुम्हें कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। सेठ जी, मेरे पास जमीन के अलावा और कुछ नहीं है। तो तुम एक काम करो, तुम्हारे जमीन के कागजात मेरे पास रख दो, मेरे पैसे लौटाने के बाद जमीन के कागजात वापस लेकर जाना। हाँ ठीक है सेठ जी। ऐसा कहकर मोतीलाल अपने घर जमीन के कागजात लेने के लिए चला जाता है और कागजात लेकर सूरज सिंह के पास चला आता है। तभी सूरज सिंह उसके जमीन के कागजात अच्छी तरह से देख लेता है और उस पर मोतीलाल का अंगूठा लगा लेता है। उसने अंगूठा लगा लेते ही सूरज सिंह उसे पैसे दे देता है। तभी मोतीलाल, सेठ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है, पैसे जल्दी लौटा देना। सेठ जी, मैं आपके पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगा। ऐसा कहकर मोतीलाल अपने पैसे लेकर वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद सूरज सिंह अपने नौकर रघु के साथ खेतों की सैर कर रहा था। तभी उन्हें खेत बहुत अच्छा दिखा। सूरज सिंह उस खेत को देखकर, अरे ये खेत किसका है, बहुत अच्छी फसल आई है इस खेत में। मालिक, ये फसल मोतीलाल की है, उसकी हर साल की फसल ऐसी ही बहुत अच्छी आती है। इसके ऐसी अच्छी फसल आने वाली जमीन भी तो हमारी ही है, जाओ जरा उसे बुला लाओ। रघु मोतीलाल को देखने के लिए चला जाता है तो मोतीलाल खेत में काम कर रहा था। ये देख रघु मोतीलाल से, अरे मोतीलाल जी, तुम्हें सेठ जी ने बुलाया है, उन्हें तुमसे कुछ बात करनी है। जी आप चलिए, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। ऐसा कहकर मोतीलाल रघु के पीछे चला जाता है। वहां जाकर उसे सूरज सिंह एक जगह खड़े दिखाई देते हैं। तभी मोतीलाल सूरज सिंह से, सेठ जी आप यहाँ आइए ना। क्या ये खेत तुम्हारे है? जी सेठ जी, ये खेत मेरे है। 6 महीने होने को आए हैं, अब तक तुमने मुझे 1 रुपया भी वापस नहीं किया, उसका ब्याज पकड़कर 2,00,000 रुपए हुए हैं। तुम्हें अब मुझे 2,00,000 रुपए देने पड़ेंगे। सेठ जी आपने तो दाम दुगना कर दिया, मैं ये फसल बेचकर आपके पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। जी सेठ जी। ऐसा कहकर सूरज सिंह वहां से चले जाते हैं। तभी मोतीलाल बहुत सोच में पड़ जाता है और वो सोचते सोचते घर आ जाता है। घर आकर मोतीलाल का बेटा आनंद मोतीलाल से, क्या हुआ पिताजी, आप बड़े चिंता में लग रहे हो। बेटे, आज खेत पर सूरज सिंह आए थे,
उन्होंने पैसे मांगे हैं और उन्होंने हमारे 50,000 के 2 लाख कर दिए। अब हमें वो पैसे चुकाने होंगे, नहीं तो सूरत सिंह हमारी जमीन हड़प लेगा, इसलिए मैं बहुत चिंता में हूँ। अरे ऐसे कैसे कोई 50,000 का 2 लाख ले सकता है? वो हमें फंसा रहा है, हमें कुछ करना चाहिए बापूजी। हम कुछ नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि मैंने पैसे लेते समय उसके पास जमीन के कागजात गिरवी रख कर आया हूँ और उन पर अपना अंगूठा भी लगा कर आया हूँ। पिताजी आप ऐसा कैसे कर सकते हो, वो हमें फंसा रहा है। हाँ बेटा अब हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कहकर मोतीलाल अपने आंगन में सोचते रहते हैं। तभी आनंद का दोस्त सुधीर वहां आ जाता है और सुधीर आनंद से, अरे आनंद क्या हुआ है, तुम बड़ी चिंता में दिखाई दे रहे हो। सुधीर बात ऐसी है कि सूरज सिंह से हमने पैसे लिए थे, अगर हमने उसके पैसे वापस नहीं किए तो वो जल्द ही हमारी जमीन हथिया लेगा। आनंद तुम्हारे खेत में पंप भी है ना, और उसको पानी है ना। हाँ है सुधीर, मगर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। मेरे मन में कल्पना है, अगर हमने वो किया तो तुम्हें तुम्हारी जमीन वापस मिल सकती है। क्या कल्पना है जल्दी बताओ सुधीर। आनंद तुम शहर में जाकर कुछ नकली हीरे लेकर आओ, दिखने में एकदम असली लगने चाहिए, और हम दोनों हैंडपंप के पाइप में वो हीरे डाल देंगे, जिससे उसे लगे कि हैंडपंप हीरा देता है, उसके सामने ये सब हमें करना पड़ेगा, समझे। मैं समझ गया सुधीर तुम्हारी कल्पना। अच्छा चलो तो फिर काम पर लग जाओ। ऐसा कहकर आनंद दूसरे दिन शहर में जाकर कुछ नकली हीरे खरीद कर लेकर आता है और हैंडपंप के पाइप में डाल देता है। अगले दिन सुधीर और आनंद खेत में चले जाते हैं, तभी वो हैंडपंप का डंडा हिलाकर देखते हैं तो उसमें से हीरे निकलते हैं। ये देख सुधीर। हाँ अब ये सही तरीके से गिर रहे हैं, अब हम ये बात सारे गाँव में फैला देंगे। हाँ ऐसा कहकर सुधीर गाँव में जाकर सभी लोगों से, अरे भाइयों सुनो, मोतीलाल चाचा के खेत में हीरे देने वाला हैंडपंप है, जिसे देखना है वो आ सकते हैं। अरे ऐसा कभी होता है क्या सुधीर भाई। अरे मैं सच कह रहा हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप खुद चलकर देख लीजिए। गाँव वाले उसकी बात सुनकर चौंक जाते हैं और देखने के लिए खेत में जमा हो जाते हैं। तभी ये बात सूरज सिंह के कानों पर आती है। सूरज सिंह रघु से, अरे रघु ये गाँव वाले बोल रहे है कि मोतीलाल के खेत में हीरा देने वाला हैंडपंप है, क्या ये बात सच है। मालिक सभी लोग तो गए हैं देखने के लिए, लोग कह रहे हैं तो बात सच्ची होगी। ठीक है तो हमें पहले जाकर वो जमीन हड़प लेनी चाहिए। मालिक हमें उससे 2 लाख रुपए ही लेने हैं, हम उसकी जमीन अभी हड़प नहीं सकते। मुझे लगता है कि आप उसे कुछ पैसे देकर हैंडपंप खरीद लीजिए, इससे आप बहुत अमीर बन जाएंगे। आज इतने दिनों बाद तुमने बहुत पते की बात की है, इसका तुम्हें जरूर इनाम मिलेगा। धन्यवाद मालिक। ऐसा कहकर रघु वहाँ से चला जाता है। सूरज सिंह जल्दी से मोतीलाल के खेत में चला जाता है, वहाँ जाकर देखता है कि सभी लोग उस हैंडपंप के पास खड़े थे। ये देखकर आनंद, देखिए देखिए हमारे हैंडपंप में से हीरे निकल रहे हैं, ये हीरे असली है या नकली ये अभी शहर से लोग आकर चेक करेंगे। ऐसा आनंद गाँव वालों से कह रहा था, तभी सूरज सिंह आगे आकर आनंद से, दिखाओ तो जरा कैसे है हीरे, हीरो को मैं ना पहचानूं ऐसा कभी हो सकता है। ऐसा कहकर सूरज सिंह आनंद के हाथ से हीरा लेकर देखते हैं, तभी उन्हें वो हीरा असली दिखाई देता है, वो देखते ही रह जाते हैं। अब सूरज सिंह सभी गाँव वालों के सामने, ये हीरा असली है। सभी लोग आश्चर्य व्यक्त करके अपने घर चले जाते हैं। तभी सूरज सिंह आनंद से, ये हैंडपंप में लेने के लिए तैयार हूँ, इसकी कीमत तुम कितनी लगा रहे हो। आपकी पूरी जायदाद बेचकर भी इसकी कीमत वसूल नहीं होती, क्योंकि मुझे हीरो की कीमत पता है। ये सुनकर सूरज सिंह सोच में डूब जाता है और दूसरे क्षण उन्होंने जल्दी से अपने जायदाद आनंद को देने के लिए रघु को बताया। रघु अभी के अभी जायदाद आनंद के नाम पर करने के लिए डालो, मुझे कल तक सारे जायदाद के पेपर रेडी चाहिए। जी मालिक। ऐसा कहकर रघु वहां से चला जाता है और सूरज सिंह आनंद से, आनंद कल तक ये हैंडपंप मेरा होगा, कल ही मैं सारी जायदाद तुम्हें दे दूंगा। चलेगा सेठ जी। ऐसा कहकर आनंद अपने घर चला गया और अगले दिन सूरज सिंह अपनी जायदाद के पेपर लेकर आनंद के पास आया और सूरज सिंह ने हैंडपंप वाली जमीन खरीद ली, उसके बदले में अपनी सारी जमीन आनंद के नाम कर दी। आनंद पैसे और जमीन के कागज लेकर वहां से चला जाता है और सूरज सिंह हैंडपंप के पास जाकर उससे पानी निकालने का डंडा हिलाता है,
तभी उसमें से पत्थर आते हैं। अभी तो इसमें से हीरे निकल रहे थे, ये पत्थर कहाँ से आने लगे? मालिक, इसमें से तो पत्थर ही निकल रहे हैं, हीरे तो कहीं दिख नहीं रहे। इसका मतलब मुझे उस आनंद ने फंसाया है। हाँ मालिक, लग तो ऐसा ही रहा है। ये बात सुन सूरज सिंह वही चक्कर आकर गिर जाता है और इधर आनंद सभी लोगों को उनके हिस्से की जमीन के कागजात वापस कर देता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी किसी को फंसाना नहीं चाहिए, गरीबों की परिस्थिति का फायदा ना उठाकर उनकी मदद करनी चाहिए।